हेलो गाइस वेलकम। और आज हम जा रहे हैं दार्जिलिंग में स्थित महाकाल मंदिर। तो ये है मेरा फैमिली और मेरा पहली छुट्टी में मैं अपने फैमिली को लेके जा रहा हूँ महाकाल मंदिर दर्शन के लिए। तो आइए मेरे साथ। सुबह का बज चुकी है 8 और हम घर से निकल पड़े दार्जिलिंग के लिए। तो आज पूरा फैमिली को मैं घुमाने ले जा रहा हूँ दार्जिलिंग। पहले तो हम मंदिर जाएंगे, मंदिर में पूजा करने के बाद दार्जिलिंग घूमने जाएंगे। तो आइए चलते हैं दार्जिलिंग और घूमते हैं हमारे साथ। तो अभी दार्जिलिंग पहुंचने के बाद गाड़ी पार्क करके हम ऊपर मंदिर की तरफ चलना शुरू कर दिया। और अभी हम उसी मंदिर के रास्ते जा रहे हैं और ये रास्ते में स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर मिलता है ये विंटर क्लोथ। No, this is not a photo, this is a video.
इतना लंबा चलने के बाद हम फाइनली मंदिर तक तो पहुंच गए। तो सब लोग थक गए तो थोड़ा रेस्ट कर रहे, उसके बाद हम मंदिर जाएंगे। तो मंदिर के अंदर जाने के बाद पहले तो आप लोग अपने अपने नाम का दिया जला सकते हैं, सब लोग मिलके एक एक दिया जला सकते हैं। वहाँ पर सब लोग जाते हैं तो एक दिया जला के आते हैं। तो मंदिर के नीचे एक गुफा भी है, तो हम गुफा के अंदर जा रहे हैं। आइए, यहाँ का लोग बोलते हैं कि इस गुफा के अंदर से रास्ता है जो कि किसी दूसरी मंदिर पर निकलता है। तो अभी तक तो यहाँ से कोई भी गया नहीं, तो अभी तक तो कोई यहाँ से जाने का हिम्मत नहीं कर पाया। तो पता नहीं कि यहाँ से कहाँ निकलता है, और जगह भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, बस थोड़ी सी जगह है जहाँ से आप घुस सकते हैं अंदर। तो आप भी आकर ट्राई कर सकते हैं। तो मंदिर में पूजा करने के बाद हम आए हैं बतासे लूप व्यू पॉइंट घूमने के लिए। यहाँ से पूरा व्यूज, दार्जिलिंग का व्यूज दिखता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मेरे साथ। तो बाय, टेक केयर, नमस्ते, जय गुरु। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप दार्जिलिंग घूमने के लिए जा रहे हैं और दार्जिलिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट पर मुझे भेज सकते हैं आपको क्या जानना है, और मैं आपको बता दूंगा दार्जिलिंग के बारे में। तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब।